देखो आज राजस्थान में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया और 23 नवंबर को चुनाव होंगे। 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, एक ही फेज में है और एक इंतज़ार था, जो चुनाव आयोग ने घोषणा की और चुनाव आयोग विशेषकर हमारे ज़िले में निष्पक्षता से चुनाव कराएगा। दोनों प्रशासनिक अधिकारी SPO हो चाहे कलेक्टर हो, जो मैं अब तक उनको पढ़ पाया हूँ वो अपने आप में बहुत ही निष्पक्ष है, बायस नहीं है और चुनाव आयोग वैसे भी बायस नहीं रहता, तो भरोसा है किसी प्रकार के फूड कैप्चरिंग जो कभी यहाँ ट्रेंड हुआ करता था सबको मत देने का अधिकार मिलेगा और शांतिपूर्ण मतदान। ये बढ़िया गहलोत साहब ने इतनी बांटाली, कोई समाज नहीं छोड़ा जिसका वोट निगम नहीं बनाया, कोई ऐसा आदमी नहीं छोड़ा। एक घंटे पहले आप RPSC के मेंबर बना रहे हो, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को, आप RPSC का कांग्रेसीकरण कर रहे हो, राजनीतिकरण कर रहे हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। RPSC एक संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। उस निष्पक्षता पर मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता लगने से पहले एक दाग लगाया, एक धब्बा लगाया, उसमें दो आदमी तो ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का एक रेवड़ी है, उन्होंने पहले ही मार दी। ऐसा कोई समाज नहीं रहा छोट मीणों का जिसका वोट नहीं बनाया, संदीप मीणा है जिसको कभी नहीं देगा। कांग्रेस वोट की फसल काटना चाहती है। ERC में स्पष्ट है कि जो 5 नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश से आ रही हैं, मध्य प्रदेश का हिस्सा है और 1976 में CW केंद्रीय जल आयोग ने निर्णय लिया था कि 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट बने, जो 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी का बना के भेजा और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से सहमति ली जाए, NOC ली जाए, उसका बराबर शेयर है। NOC के लिए मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने पत्र लिखा था, उस समय के मुख्यमंत्री जो थे मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उन्होंने NOC नहीं दी थी। तो ये 13 जिलों की जनता को गुमराह करके वोट की फसल काटना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता 13 जिलों की समझती है। आखिर में ये 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी और मध्य प्रदेश की सहमति जाएगी तो मोदी जी ही इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर सकते हैं, गहलोत के बस की बात है।